सो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये क्रिकेट का हेलमेट। तो देख सकते हो गाइस, तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो गाइस इसी को बनाने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, आप आवाज़ सुन सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये घर की ही बेसिक चीज़ों से बनाया, जैसे न्यूज़पेपर से। तो गाइस और आप भी इसको घर पर बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा कूल है ये, और 16 साल से कम के बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है और एकदम बढ़िया है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बनाने सिखाने वाला हूँ। और तो गाइस आप भी इसको बना सकते हो और पोज मार सकते हो और पहन कर खेल भी सकते हो। तो चलिए गाइस इसी को बनाते हैं। और गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए वीडियो। तो पहले वीडियो देख लेना पूरी। और जो मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जैसे कि फेविकोल और कलर, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप चाहे तो खरीद सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो और बनाते हैं इस कमाल के शानदार से हेलमेट को। और गाइस ये आप अपनी कोई सी भी पसंदीदा टीम का बना सकते हो। मैंने चेन्नई सुपर किंग्स का बनाया है, मेरी उसके पास जर्सी भी है तो इसलिए मैंने चेन्नई का बनाया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, हेलमेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चाहिए और उसके ऊपर हमें एक ओवल सा शेप ड्रॉ कर लेना है हेलमेट का। जैसे अगर हम हेलमेट को रखते हैं तो जैसा वो ओवल जैसा बनता है वैसा, और फिर उसको किसी भी चाकू से, कटर से या फिर कैंची से कट कर लेना है। जिससे भी आपको सुविधा लगे आप उससे कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर चाकू से कट कर रहा हूँ, कटर से। तो गाइस कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके का सिंपल सा है। और फिर जब ये कट हो जाए तो आपको एक इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेना है। देख सकते हो जैसा हेलमेट दिखता है साइड से वैसा, तो मैंने वैसा शेप काट लिया है। इसको हमें ग्लू गन से अपने इस ओवल शेप के बिल्कुल बीचों बीच चिपका लेना है, अच्छी तरीके से ग्लू गन से मजबूती से चिपका रहा हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो आप, ये चिपक चुका है। तो अब इसके साइड में कार्डबोर्ड को रख के 90 डिग्री पर इस तरीके से मेज़रमेंट ले लेने हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये पता नहीं चलता, इसलिए पहले मेज़रमेंट लेके इसको कट कर लेना है। तो फिर इस तरीके के दो पीस लेने हैं और इन दोनों पीस को जो है हमें टुकड़ों को इसके हमारा जो है हेलमेट है इसके साइडों में चिपका देना है ऐसे तरीके से। तो इसको भी ग्लू गन से चिपका रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूती से चिपकाना है। तो देख सकते हो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हमें चाहिए न्यूज़पेपर, बहुत सारा न्यूज़पेपर जितना यूज़ करेंगे हम। तो गाइस न्यूज़पेपर को ऐसे मोड़ के इसमें ऐसे भर देना है, जो ये खाली जगह थी ना इसमें ऐसे भर देना है, देख सकते हो गाइस। और भरते जाना है बस, जितनी हमारे चारों कोने हैं जो कि खाली हैं इनमें बस भरते जाना है और पूरी तरीके से अच्छे से एकदम भर देना है। और फिर इसके ऊपर सेलो टेप लगा के इसको चिपका देना है। और गाइस आपको न्यूज़पेपर यूज़ करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और सेलो टेप को यूज़ करने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। बहुत अच्छी तरीके से इस पर लगा देना है सेलो टेप न्यूज़पेपर के ऊपर, ताकि एकदम अच्छे तरीके से चिपक जाएगा और न्यूज़पेपर को भी एकदम अच्छे तरीके से ठोक के एकदम बढ़िया तरीके से भरना है। और सेलो टेप मैं यहाँ पर इसलिए बड़ा वाला यूज़ कर रहा हूँ ताकि काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो। तो देख सकते हो गाइस इसमें एकदम अच्छे तरीके से मैं जो है न्यूज़पेपर लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको एकदम धीरे धीरे लगाना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, काफ़ी पेशेंस से। तो देख सकते हो गाइस हमने इस तरीके से एक हेलमेट का शेप बना लिया है। तो ये है हेलमेट नहीं है, अब इसके ऊपर से हम एक हेलमेट को बनाएंगे। तो जिसके लिए आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर को इस तरीके के बोल में भिगो के रख लेना है। फिर उसके बाद उसको जो मिक्सर होता है उसमें भर लेना है। जब ये आपको एक दो घंटे तक पहले इनको भीगे रहने देना है पानी में। फिर उसके बाद तो इसके मिक्सर के जार में करके मिक्सी में जो है अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो ये एकदम पीस जाते हैं, क्योंकि 10 सेकेंड घुमाना पड़ता है, एकदम इनका जो है एकदम हलवा सा बन जाता है। तो गाइस अब इसको निकाल लेना है हमें, जितने भी हमने न्यूज़पेपर भिगोए थे वो सब जो है हमने ग्राइंड कर लिए हैं मिक्सर से। तो अब इसको हमें एक जो इस तरीके की ओनी है, ये तो जाल टाइप का होता है जिससे चावल भी छनते हैं जब दावत होती है उसमें, तो इस तरीके के जाल टाइप में कुछ है, तो इसे छान लेना है हमें जो हमने ये न्यूज़पेपर को ग्राइंड करा था। तो देख सकते हो गाइस अच्छी तरीके से इसका जो पानी है वो निचोड़ लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा इसमें, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो गाइस बहुत तरह से पानी निकलता है, क्योंकि बिना पानी के ये ग्राइंड नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें डाला भी था बहुत सारा पानी ताकि अच्छे से ये घूम जाए इसमें, वरना ये घूमते नहीं है, ग्राइंड नहीं होते। तो अब जो एक्स्ट्रा पानी था उसको फेंक आना है और जो हमारा ये एक न्यूज़पेपर बचा है इसको हमें इसमें कर लेना है। और भी बहुत सारा है,
जो कि मैंने अलग करके रखा हुआ था, ये सब इसमें मैं डाल लेता हूँ। सो गाइस अब देख सकते हो इस तरीके का कुछ न्यूज़पेपर का बन जाएगा। तो अब हमें इसमें जो है फेविकोल डाल लेना है, जो भी आप ग्लू यूज़ करते हो, वाइट ग्लू जो लकड़ी को चिपकाने में काम आती है वो इसमें डाल लेनी है। और हमें इसको पूरे को एक मलना है आटे की तरह एकदम अच्छे तरीके से कम 10 मिनट, 5-10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको गूंथना है, ताकि सारी जगह अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर लग जाए और ये एकदम क्ले टाइप बन जाए। तो गाइस ये क्ले बन जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत मज़बूत होती है। जैसे मैंने इससे बैट पे बनाया था तो बिल्कुल एकदम वैसे ही मजबूत हेलमेट भी बनेगा हमारा। तो अब जो हमने ये सांचा बनाया था इसके ऊपर मैं फेविकोल लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको जो है जो हमने ये क्ले बनाई थी इसको इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। सो गाइस अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो बस अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो अब हमें जो है इस क्ले को अपने पूरे जो हेलमेट का शेप हमने एक बनाया था ठोस, उसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। और फिर इसके ऊपर की जो सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए जो फेविकोल है उसको अच्छी तरीके से लगा के एकदम उंगली से स्मूथ कर देना है। तो गाइस आपको फेविकोल यूज़ करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, एकदम बढ़िया तरीके से लगाना है, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बेकार फिर मेहनत भी ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हो गाइस मैंने अच्छे से एकदम स्मूथ कर दिया है इसको। तो अब हमारे एक हेलमेट की शेप रेडी सी हो गई है। तो अब इसको सूख, गाइस आप देख सकते हो कि ये सूख चुका है, लेकिन मैंने इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि इसमें जब हमने ये बनाया था नीचे वाला हिस्सा, तो इसके ऊपर हमें पन्नी रखनी चाहिए थी, फिर उसके ऊपर से हमें कवर लगाना चाहिए था। तो आप ये गलती मत करना, लेकिन अब भी निकल तो जाएगा ही, लेकिन थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस पर पन्नी लगा दोगे पूरे पे पॉलीथीन एक, फिर उसके बाद एक कवर चढ़ाओगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मैंने वो नहीं करा तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो चलिए गाइस इसको निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने इसके नीचे के हिस्से पर आप देख सकते हो टेप लगा दिया है, ताकि ये यहाँ से खुले नहीं, उखले नहीं। तो चलिए गाइस अब इसको इसमें से कवर में से इस करके निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हमें निकाल लेना है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए मैं कटर से काट के एकदम जो न्यूज़पेपर हमने लगाया था वो सब अच्छी तरीके से निकाल के निकाल लेना है। तो इससे पहले आपको श्योर कर लेना है कि आपका जो ये ऊपर का हेलमेट है ये सूख चुका है अच्छी तरीके से, उसके बाद ही निकालें। तो गाइस मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। और बाद में फाइनली ये ले देकर निकल ही चुका था, देख सकते हो गाइस अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गीला है, तो थोड़ी देर और सुखाऊंगा इसको। तो देख सकते हो गाइस फाइनली ले देकर कुछ ऐसा निकला है, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आप साइड का जो टेप था वो हमें हटा लेना है, तो हटाने के बाद ये अभी साइड से थोड़ा खुरदुरा है, देख सकते हो। इसको स्मूथ करने के लिए जो कार्डबोर्ड होता है उसकी पट्टियों को मैं चारों तरफ चिपकाऊंगा इसके, ताकि एकदम सपाट हो जाएगा एकदम। ये देख सकते हो गाइस अब एकदम क्लीन और काफ़ी साफ लग रहा है हमारा हेलमेट। तो गाइस अब इसकी जो छोटी छोटी डिटेल है, जैसे आगे का एक कैप में जैसे निकला हुआ होता है वो लगा देना है, और ऊपर एक होता है बटन टाइप का वो सब। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो हेलमेट है ऊपर का वो एकदम बढ़िया तरीके से बन चुका है, और अंदर से भी काफ़ी सही बना है, और पहन के भी सिर पे भी फिट आ रहा है। थोड़ा सा ढीला लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ढीला नहीं है, इसके अंदर हम थोड़े जो कंफर्टेबल करने के लिए इसको थोड़ी इसके अंदर फोम या फिर कुछ थर्माकोल या कुछ भी लगाएंगे, जिससे ये एकदम फिट बैठेगा। तो और काफ़ी ज़्यादा सही बना है देख सकते हो, और लेकिन ये ऊपर से भी थोड़ा सा एक रफ है और अंदर से भी, तो इसके लिए हम इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगाएंगे ग्लू और पानी को मिक्स करके, जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा होगा इस पर। और फिर एक लेयर टिश्यू पेपर भी लगाएंगे ऊपर की तरफ सिर्फ, क्योंकि ऊपर हमें कलर करना है, तो इसलिए ऊपर की तरफ टिश्यू पेपर लगाएंगे। टिश्यू पेपर से कलर एकदम अच्छे से होगा और अंदर से भी एकदम सही हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इसके आगे का जाल बनाएंगे, जो होता है जाल। तो जाल के लिए आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग वायर लेनी है, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगी तो वो पिचक जाएगी। तो गाइस चलिए इसके ऊपर हम न्यूज़पेपर लगाते हैं, देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप श्योर हो जाएं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए गाइस अब इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा देते हैं। तो न्यूज़पेपर की बस एक ही लेयर लगा रहा हूँ मैं, फिर उसके ऊपर से एक लेयर टिश्यू पेपर की लगाऊंगा। तो टिश्यू पेपर सिर्फ ऊपर की साइड लगाऊंगा, क्योंकि गाइस टिश्यू पेपर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये न्यूज़पेपर होता है उसके ऊपर जो ये लिखावट होती है ना, तो ये दिखती है जब आप कलर करते हो, क्योंकि एक्रेलिक कलर ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए गाइस टिश्यू पेपर को लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये लिखावट है वो नहीं दिखती और कलर एकदम क्लीन और बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। तो इसलिए टिश्यू पेपर को ज़रूर लगाएं,
और अंदर की साइड सिर्फ न्यूज़पेपर को लगा रहा हूँ ताकि एकदम और साफ हो जाए, जो एक खुरदुरा सा हो रहा है। आप देख सकते हो कि हमारा जो हेलमेट है वो एकदम सूख कर भी रेडी हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। अब ये और ज़्यादा मजबूत हो चुका है और एकदम क्लीन हो चुकी है इसकी सारी सरफेस जो थोड़ी खुरदुरी सी लग रही थी। तो देख सकते हो अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, आवाज़ सुन सकते हो, मेरे हाथ में भी लग रही है इससे अगर मैं मार रहा हूँ। तो चलिए गाइस अब इसको और कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा और इसको कंफर्ट करने के लिए ये एक फोम है पतली सी, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे ऐसे, जिससे और ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब फोम को इसके अंदर चिपका देते हैं साइडों में। तो मैंने फोम को पहले रोल कर लिया है, ग्लूगन से चिपका लिया, फिर उसके बाद में ग्लूगन से ही इसके अंदर भी चिपका रहा हूँ चारों तरफ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें फोम लगा दिया है चारों तरफ। तो पहले मैं सोच रहा था पूरे में लगाऊंगा, लेकिन मैंने फिर चारों तरफ ही लगा दिए। तो इससे ये होगा कि जब आप इसको ऐसे पहनोगे तो ये एकदम लॉक हो जाएगा चारों तरफ से। तो जब आप ऐसे सर हिलाओगे तो ये हिलेगा नहीं, तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो काफ़ी सही हो गया ये पहनने के बाद। तो चले गाइस अब बनाते हैं इसके आगे का जाल और फिर इसके ऊपर कलर करेंगे और फिर हमारा हेलमेट हो जाएगा रेडी। तो गाइस आगे का जाल बनाने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग वायर चाहिए, तो ये जो कि बॉल को झेल सके। तो इसलिए गाइस मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वायर ले रहा हूँ और इसको मोड़ के आप मैं इसके ऊपर एलपी से सुपर ग्लू से और जो मिट्टी होती है उससे चिपका रहा हूँ और साथ में एक कार्डबोर्ड का पीस लगा रहा हूँ साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड कर रहा हूँ उसमें। और जो पूरा जाल है उसको आप बना लेना है। तो जाल को मैं ग्लू गन से चिपका रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ आइडिया नहीं आ रहा मैं कैसे चिपकाऊँ। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि कमज़ोर रह सकता है लेकिन फिर भी सही है। और थोड़ा धागे से मैं इसको बांध के फिर सुपर ग्लू से चिपका रहा हूँ। तो देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा ठीक बन रहा है हमारा जाल भी। तो गाइस बाद में जो छोटी मोटी डिटेल होती हैं हेलमेट में हमारे वो सब चिपका लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो हेलमेट है वो एकदम रेडी हो चुका है बनके, आगे का जाल भी एकदम सही बना है, बस इसमें कलर बाकी रह गया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये है। तो अंडर 16 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट हेलमेट है ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए गाइस अब इसमें कलर करते हैं और कलर करने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि जब इतना अच्छा बनता है, आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो तो और ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून मिलता है। तो चलिए गाइस अब इसको कलर करते हैं और इसको एकदम कंप्लीट कर पहनेंगे। सो गाइस कलर के लिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ और इसको ही कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे तभी इस पर वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगा। तो इसलिए गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस अब इसके ऊपर कलर कर रहे हैं। तो कलर मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे से आपको कलर करना है और कलर करते हुए भी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से करना है। और लोगों को मैं अपने हाथ से ही बना रहा हूँ। तो चाहे तो आप गाइस प्रिंट भी निकलवा कर उसको चिपका सकते हो, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं निकलवाया, मैं हाथ से ही बना रहा हूँ ब्रश से। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो आप पेशेंस से बनाइए बिल्कुल एकदम चिल करके। गाइस बहुत मज़ा आता है जब आप खुद घर पे ऐसी चीज़ बनाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, हमारा हेलमेट बन चुका है। सो गाइस मैंने इसमें दो लोगो और लगा दिए हैं और देख सकते हो हमारा हेलमेट बहुत अच्छा बना है। गाइस एक हफ्ते की जो हमारी मेहनत थी वो एकदम वसूल हो गई और बहुत दिल से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने बनाया ये एक क्रिकेट हेलमेट जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा देना ऐसे करके एकदम ठोक के दबा देना और सब्सक्राइब भी दबा देना। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किए हैं जैसे कलर और फेविकोल, उन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो ख़रीद सकते हो। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि मैं अब यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहा, मेरा अब आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है चेन्नई की टीम में, तो मैं अब चेन्नई की टीम के साथ खेलूँगा। सो गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बनाते रहिए, और अगर आप भी इसको बना रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसको घर पर ट्राई कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।